हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट जापानी वाटर वेट लॉस थेरेपी के बारे में। देखिए, जो थेरेपी होती है ये हैप्पी स्टमक के लिए होती है। पानी की उचित मात्रा पेट में पहुंचकर उसे ठंडा रखती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक बनाती है। पानी आपकी बॉडी की कई खराब मेडिकल कंडीशंस को भी सुधारता है। जापान में लोग पानी को बॉडी के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन मानते हैं, तो चलिए जापानी लोगों के अनुसार पानी से वजन करने की इस थेरेपी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो थेरेपी होती है जिसे जापानी वाटर वेट लॉस थेरेपी के नाम से जाना जाता है, इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले पानी पीना है, चाहे ये दिन की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप ल्यूक वॉर्म वाटर ले सकते हैं। यदि आप सादा पानी नहीं पीना चाहते तो आप इसमें थोड़े से खीरे के टुकड़े डाल सकते हैं। यदि आपको खीरा भी नहीं पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू डालकर यदि आप इसे लेते हैं तो ये एक तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, साथ ही साथ ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को सुधारता है और वजन को घटाता है। सुबह उठकर आपको कम से कम 4 ग्लास पानी का सेवन करना है। अब इसके थोड़ी देर बाद आपको व्यायाम इत्यादि करना है, चाहे वो हल्की सी वॉक हो या कोई भी योगा एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके बाद नाश्ता करने से पहले आपको ब्रश करना है और ब्रश करने के तुरंत बाद आपको 1 गिलास पानी फिर पीना है। ब्रश करने के आधा घंटा या 45 मिनट के बाद भी आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ब्रश करने के तुरंत बाद कुछ खाने की जगह यदि आप पानी लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है। पानी यदि आप नाश्ता करने के आधे घंटे पहले ले लेते हैं तो आप एक तो खाएंगे भी कम और दूसरी बात यह है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके नाश्ते को बहुत अच्छे ढंग से पचा सकती है। इसका तीसरा स्टेप है कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी का सेवन नहीं करें। खाना खाने के कम 1 घंटे बाद पानी पीना है और उसके बाद आपको कम से कम 1 से 2 ग्लास पानी पीना है, और हो सके यदि गुनगुना पानी पिए तो सबसे ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जापान के लोग मोस्टली ल्यूक वॉर्म वाटर अर्थात हल्के गुनगुने पानी का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप स्टेप 4 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पानी को हमेशा सिप करके पिए, एक साथ पानी को तेजी के साथ ना गटकें। इसके साथ साथ आपको 1 गिलास पानी पीने के आधे घंटे बाद ही 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो ये आपकी पाचन क्रिया और भूख पे असर डालता है। इसके अलावा जो 5वां स्टेप है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। ये ध्यान रखिए कि जापानी लोग कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं। पानी पीने के लिए हमेशा आपको पहले आराम से बैठना है, उसके बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। यदि आप लगातार इस तरह से पानी पिएंगी तो आपको कुछ ही दिनों में अपने वजन में अंतर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये जापानी वेट लॉस थेरेपी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए